हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सभी राज व्लॉग यूट्यूब चैनल। हैप्पी दिवाली। आपने दिवाली बहुत अच्छा मनाया होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। और आज है 13 नवंबर, दिवाली का दूसरा दिन, आज सोमवार है। और आज हम निकलने वाले हैं दंतेवाड़ा ट्रिप के लिए। एक नए ट्रिप का वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि होटल के कितने खर्चे लगेंगे, कितना दूर है, रायपुर से जाना है तो कैसे जाना है, और वहाँ पे खाने का कैसा रेट्स रहता है, होटल का क्या रेट रहता है, कौन से रूट से जाना है, कहाँ कहाँ विज़िट करना है, कौन सा जो पहले जाएँ ताकि हमारे अच्छे से मैनेज हो सके टाइम, ये सारा चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा लगेज पूरा पैक हो गया है, सांची भी रेडी हो गई है, स्वरा भी रेडी हो गई है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा थैला है, इसमें हमने गर्म कपड़ा बहुत सारा है, अभी क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई, उधर और ज़्यादा ठंडी हो गई, तो जो गर्म कपड़े वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो गर्म कपड़े हैं और कुछ नाइट वाले कपड़े हैं इसमें। उसके बाद इसमें हमारा मेन जो ड्रेस है, कपड़े वगैरह हैं, इसमें खाने पीने वाला आइटम रखा हुआ है और इसमें और कुछ कुछ सामान है। तो इस तरह से हमारा ये चार लगेज रेडी हो गए हैं और सभी रेडी हो गए हैं, और हमारा जो फ्रेंड है वो आने वाला है और साथ ही हम निकलेंगे, तो हम उनकी जो गाड़ी है डस्टर उससे निकलेंगे। अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30, देख रहे हैं आप, और जितना जल्दी हो सके हम निकलेंगे, क्योंकि शाम होते होते हम पहुंचेंगे तो कहीं अच्छी से जगह देख के स्टे करेंगे। तो चलिए, आपको आगे टूर की वीडियोस आने वाली है तो आपको दिखाते हैं डिटेल में। कांकेर यहाँ से 45 किलोमीटर है, हम जगदलपुर के लिए निकल गए हैं। और ये देखिए, इनका सीताफल तोड़ना शुरू हो गया है, जहाँ भी सीताफल मिले सब तोड़ लेना। ये टोल प्लाजा है, थोड़ा सा फास्टैग का इशू था तो वो करवा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा दंतेवाड़ा जगदलपुर के लिए। कांकेर के पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे देखिए देसी बाजार हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ से चाट वगैरह कुछ खाने का प्लान है। अंदर बाजार लगा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पे गांव वाला दृश्य। हम दंतेवाड़ा में कभी बाजार देखने को मिलेगा तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। कांकेर यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। दोस्तों, अभी हम केशकाल घाटी एंट्री कर चुके हैं, और केशकाल घाटी में जो माता का मंदिर है वहाँ पे हमने माता का दर्शन किया, और आगे अब हम आगे घाटी की ओर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, रात के 10 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं होटल लक्ष्मी पैलेस। हमने यहीं बुकिंग किया है, हमने ऑनलाइन देखा था तो यहाँ पे रेट थोड़ा ठीक लगा था, और हमने जो रूम बुक किया है यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है, सबसे जो कम वाला है गोल्ड का,
वो 800-900 रुपये ऑनलाइन दिखा रहा है, और उसे जो डिलक्स वाला है वो 2000 के आसपास था। तो हमने यहाँ पे बात करके जो है 1060 रुपये में एक रूम, और ऐसे ही दो फैमिली तो दो रूम हमने यहाँ पे बुक कर लिए। तो 1000 में बढ़िया होटल मिल गया। अंदर होटल का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो सामान है वो अंदर जा रहा है होटल पे, और गाड़ी को भी पार्क पे लगा देते हैं, उसके बाद हम आपको रूम की भी वीडियोस दिखाएंगे। और कल हम चलेंगे चित्रकूट वाटरफॉल, और उसके अलावा कुतुब सर गुफा, सारा चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा रूम 108 लग्जरी गोल्ड। कैटेगरी होता है इनका अलग अलग, और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रेट होता है। तो होटल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारा एक सोफ़ा दे दिया यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे लाइट्स वगैरह बढ़िया लगा दिए, और यहाँ पे एक बेड है, ठीक है। और वहाँ बेड के नीचे, बेड के जो लाइट्स के बटन है उसके नीचे भी एक कबर्ड है सामान वगैरह रखने के लिए। और इस तरह से डिज़ाइन है, फाल सीलिंग हुआ हुआ है, कुछ ऐसा नज़ारा। इस कोने से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे व्यू यहाँ पे दिख रहा है होटल का। और ऊपर एसी भी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक कबर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग है, टीवी भी है। इसको ओपन करो, ये कबर्ड कपड़ा वगैरह रखने के लिए, लेकिन हमको तो आज ही निकलना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक मिरर, और ये बाथरूम का दरवाज़ा। और बोल रही थी हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, बेसिन, और वेस्टर्न यहाँ पे सेप्टिक है। और उसके बाद यहाँ से ये मुझे बहुत बड़ा इरिटेट किया। यहाँ पे दूसरे बाथरूम में जो नहा रहे थे वो गाना गा रहा था, उसका शोर इतना आ रहा था कि बहुत डिस्टर्ब हुआ। और यहाँ से जो पानी जो है ये भी रिझ रहा था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सर्विस का इशू है, अब बाकी इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पानी रिझ रहा था और मच्छर भी आ रहा था। तो हमने गुड नाइट के लिए बोला, तो ये जो गुड नाइट लगाए थे तो मच्छर का इशू सॉल्व हुआ। उसके अलावा सुबह सुबह लाइट बंद हो गया था यहाँ पे, कम से कम आधे घंटे के लिए लाइट बंद हो गया था, तो जनरेटर वगैरह होना चाहिए, ये इशू हमने यहाँ पे फेस किया। तो चलिए अब हम आगे अपना टूर को कंटिन्यू रखेंगे। अगली वीडियो हमारा ज़रूर देखना, हम पूरा सीरीज़ लेके आए आपके लिए दंतेवाड़ा टूर का।